वेलकम टू आवर चैनल संजय सर। बच्चों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं टेंस। टेंस मतलब काल, काल मतलब समय। बच्चों टेंस सिखाने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं टेंस के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहला है सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेकेंड है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और थर्ड है ग्रामेटिकल पर्सन। हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं उसके लिए एक रूल बना है बच्चों। सब्जेक्ट, कर्ता, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, वर्ब, क्रिया, ऑब्जेक्ट, कर्म। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। इस विषय पे हम ज्यादा जोर देंगे। टेंस मतलब इन्हीं पे मोस्टली डिपेंड करता है। एग्जाम्पल देते हैं बच्चों। सुमन, सुमन is playing football. सुमन is playing football. अब बच्चों इस एग्जाम्पल हम देखें हम, तो सुमन जो है वो आपके यहां पे सब्जेक्ट है, is यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, फुटबॉल यहां पे ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों यहां पर ये जो हिस्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एस्पेक्ट हमारे पास है बच्चों फॉर्म्स ऑफ वर्ब। बच्चों फॉर्म्स ऑफ वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब में ये समझना है कि क्रिया किस फॉर्म में होगी। यहाँ क्रिया के तीन रूप होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और यहाँ प्रोग्रेसिव टेंस कंटिन्यूअस के लिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आता है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने आपको एग्जाम्पल लिया राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, सेकेंड फॉर्म होगा इसका रोड और थर्ड फॉर्म होगा रिटेल। और अगर मैं इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर मैं लगा दूं आई एन जी, ये बन जाएगा राइटिंग। इसी प्रकार से बच्चों कुछ और एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिखा प्ले, प्ले मतलब खेलना, सेकंड फॉर्म होगा प्लेड, प्लेड मतलब खेला, फिर थर्ड फॉर्म भी प्लेड होगा और यहां पे पढ़ेंगे खेल चुका। अगर वही मैं प्ले के साथ में आई एन जी लगा दूं तो ये बन जाएगा प्लेइंग, खेल रहा। अब हम बच्चों हम देखते हैं कि हमने ये वर्ब का जो एक फॉर्म देख लिया, ये वर्ब फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट है कि सेंटेंस को हम किस फॉर्म में सेट करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसे बहुत जोर दीजिएगा। हम इसके ऊपर बहुत से डिटेल और भी हम आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों हम चलते हैं थर्ड हमारा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो पर्सन है। बच्चों फर्स्ट हमारे तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसे मैं नाम दिया हूं ग्रामेटिकल पर्सन का। बच्चों हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन, तो हमारा आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है और वी भी फर्स्ट पर्सन है। आई के जितने भी अपर रूप है आई, मी, माय, मायसेल्फ, ये सब फर्स्ट पर्सन में आते हैं। वी, अवर, अवर्स, अवरसेल्फ, ये सब हमारे फर्स्ट पर्सन के आएंगे रूप। अब यहाँ देखते हैं सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में यू है। यू जो है, यू मतलब क्या हुआ तुम, तो यू यहाँ सिंगुलर भी होता है और यू यहाँ प्लुरल भी फॉर्म में होता है, क्योंकि जितने भी रूप होंगे यू के, यू, योर, योर्स, ये सब हमारे सेकंड पर्सन में आएंगे। हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में आता है दे, ही, शी, इट, और कोई भी नाम ले लो आप। अगर कोई भी नाम दिया हुआ है वो सब थर्ड पर्सन है। रीता, सीता, जितेंद्र, सलमान, जो भी आप नाम ले लो सब हमारे थर्ड पर्सन में आएंगे। बच्चों इसके आगे का वीडियो हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं अब टेंस का चार। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं टेंस पढ़ना। बच्चों टेंस, टेंस जो है TENSE, टेंस, इसका हिंदी मीनिंग होता है काल। इसे हम कहते हैं काल, काल मतलब होता है समय। समय जो है तीन कालखंडों में बटा हुआ है, वर्तमान, भूत और भविष्य। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जो समय चल रहा है ये वर्तमान है, जो समय बीत चुका है वो भूतकाल है, और जो समय आने वाला है वो हमारा भविष्यकाल है। बच्चों इस पे डिटेल में न जाते हुए मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ टेंस के प्रकारों में। बच्चों कोई आपसे पूछे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पर कोई आपसे पूछे कि टेंस कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस कुल 12 प्रकार के होते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, कुल 12 प्रकार के टेंस होते हैं, वो मैं बताने चल रहा हूं आप लोग को। हम कैसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिंपल,
सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसी प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऐसे पढ़ेंगे हम। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से कुल 12 प्रकार के हमारे टेंस जाएंगे। ओके बच्चों, बच्चों टेंस के प्रकार होने के बाद में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, वह टेंस के हेल्पिंग वर्ब। तो बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हेल्पिंग वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है बच्चों डू या डज, डू या डज। सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है बच्चों डिड। इसी प्रकार से सिंपल फ्यूचर का होता है विल या शैल। हम पहले एक पार्ट पर फोकस करते हैं, फिर सेकेंड, फिर थर्ड पार्ट पर जाएंगे। हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम या आर। प्रेजेंट परफेक्ट का होता है हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है हैज बीन या हैव बीन। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वेयर, वॉज या वर। पास्ट परफेक्ट का होता है हैड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है हैड बीन। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग होती है विल बी या शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव और शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इस चार्ट को बच्चों बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा। अब इसमें मैं सारे डिटेल्स वर्ब को लेके, जो पर्सन होते हैं उनको लेके मैं सब डिटेल बताने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ग्रामर के नॉलेज को लेके तो है ही है, बल्कि आप जब कम्युनिकेशन करेंगे उसके स्किल को बढ़ाने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है बच्चों, इसे बहुत ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हमने भी देखा टेंस के हेल्पिंग वर्ब, अब हम देखने जा रहे हैं वर्ब के फॉर्म। बच्चों प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट जो है उसका हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। यहां पे हम बात करते हैं अगर वर्ब के फॉर्म की, तो यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है वी वन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का प्रथम रूप। हम बात करते हैं डज, तो डज में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, सिर्फ फर्क इतना है बच्चों इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम यस या ईएस जोड़ देते हैं। अब ये क्यों होता है इसके बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं, समझिएगा बच्चों। अगर हमें एक वचन करता दिखा, जैसे कोई नाम ले लिया, मैंने ले लिया नाम राम, राम। अब राम के साथ में अगर मुझे लिखना है गो, तो मैं लिखूंगा राम गोज, जी ओ गो है, इसमें एस लग गया तो बन गया गोज, राम गोज। तो इसलिए ये डज जो है होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में भी यही बात होती है कि डज ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए आता है, सिर्फ फर्क इसमें है कि यस या यस आता है सिंगुलर फॉर्म के लिए। हम वही बात करते हैं अगर हम यहाँ पे सब बोलता है यहाँ पे आई, तो आई गो होता, आई गोस नहीं होता। इसी प्रकार से मैंने बोला दे, तो दे गो, दे गोस नहीं होता। ऐसे ही अगर मैं बोलू राम, राम गो, तो गलत होगा। ठीक है बच्चों, इतना डिटेल में समझना इसको बहुत जरूरी था, तो मैंने आपको एग्जांपल से यहां बता दिया है, आप नोट कर सकते हैं। बच्चों हम पढ़ते हैं अभी सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डिड। यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, क्रिया का द्वितीय रूप आता है। मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिया, यहाँ पे वर्ब लिया था मैंने गो, तो गो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म था, यहाँ पे गो का सेकंड फॉर्म आएगा वेंट।
गो प्लस डिड जोड़ेंगे तो बन जाएगा वैन, या सेकेंड फॉर्म होता है। बच्चों पढ़ते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, इसकी सेल हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आता है। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, मैंने कहा आई, तो आई शैल गोज नहीं आएगा, आई शैल गो आएगा। ठीक है बच्चों, हम अब चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पर क्रिया का जो फॉर्म है सबके लिए, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, सबके लिए यहाँ पर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। मतलब अगर आपको ये सहायक क्रिया दिखे तो आपको कहना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इज के साथ में, एम के साथ में, आर के साथ में, वॉज के साथ में, वेयर के साथ में, विल बी के साथ में, शैल बी के साथ में, इन सब का आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, इन सब के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, क्रिया का तृतीय रूप यहाँ पे आता है बच्चों। जैसे कि मैंने बोला गो, वैन, गॉन, तो यहाँ पे गॉन सबके लिए गॉन आएगा, यहाँ पे सबके लिए गोइंग आएगा। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इन सब के लिए भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है। बच्चों आप एक बात याद रखिए, जहां पे कॉन्टिन्यूअस आएगा, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, वहां पर आपको लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों एक बार हम छोटा सा रिवीजन कर लें कि कौन सा वर्ब का फॉर्म किस टेंस के साथ में आएगा। तो हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ में आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस से एस लगा रहेगा, हम आपको मैंने अभी बताया था। हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं, यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। हम सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यहाँ पे डज वाला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है बच्चों, हमने भी पढ़ा टेंस के हेल्पिंग वर्ब और हमने पढ़ा कौन सा वर्ब का फॉर्म सेट होगा। अब हम देखते हैं बच्चों सिंगुलर, प्लुरल और आई। सिंगुलर, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, प्लुरल मतलब होता है बहुवचन, और आई को मैंने अपने लिस्ट में अलग रखा है। आई, आई का मतलब होता है मैं, या कहीं कहीं हम यूज करते हैं हम, इसीलिए मैंने अपने ग्रामर लिस्ट में आई को सेपरेट रखा है। आई कहीं कहीं सिंगुलर होता है, कहीं कहीं प्लुरल होता है। तो बच्चों हम ध्यान देंगे भी कि कौन सा फॉर्म किसके साथ सेट होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP एक कॉन्टेंट है बच्चों, ये बात ध्यान दीजिएगा। सिंगुलर मैंने एक एग्जाम्पल लिया सिंगुलर के लिए, यहाँ पे मैंने लिया यहाँ पे राम, तो राम यहाँ पे एक नाम है, राम मैंने यहाँ पे एक नाम लिया। यहाँ पे कोई किसी लड़की के नाम, सपोज मान की लता, प्लुरल फॉर्म के लिए दे, वी, मैंने आई, आई को मैंने सेपरेट रखा हुआ है। तो अब इन चीजों का कहां कहां किस हेल्पिंग वर्ब के साथ हम सेट करेंगे वो हम देखने चल रहे हैं। बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, हम बात करते हैं डू की, तो डू जो है वो आता है आई के साथ में और प्लूरल फॉर्म के साथ में। एग्जाम्पल आई, मैं क्या है, एक मैं वर्ड लेता हूं यहाँ पे, एक मैं एक्शन वर्ड लेता हूं। सपोज मैंने लिखा यहां पर राइट, WRITE राइट, तो अगर मुझे राइट लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा आई राइट, राइट के अंदर डू छिपा हुआ है। मैंने बोला दे राइट, राइट के अंदर डू छिपा हुआ है। अगर मैं ऐसे ही लेता हूं यहां पे सिंगुलर फॉर्म, सपोज मिला राम, तो राम राइट नहीं होगा, राम होगा राम राइट्स, राम राइट्स, सीता राइट्स, लता राइट्स। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे डज जो है वो सिंगुलर फॉर्म के लिए आता है,
आई के लिए और प्लुरल फॉर्म के लिए डू यूज होगा और सिंगुलर फॉर्म जो भी होगा उसके लिए डज आएगा, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, उन सब के लिए डज आएगा। हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में डिड, तो यहाँ पर सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो चाहे आई हो, यहाँ पर तीनों के लिए डिड सेकेंड फॉर्म वर्ब का आता है। एग्जाम्पल, मैंने कहा राम वेंट, दे वेंट, आई वेंट, यहाँ पर डू और डज जैसा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सबके लिए सेकेंड फॉर्म ही आएगा। हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की, तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यहाँ भी सिंगुलर, प्लुरल और आई ऐसी कोई बातें यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर समझना एक होता है बच्चों, आई के लिए और वी के लिए हम शैल यूज करते हैं। आई और वी, एक वापस बोलो बच्चों, आई और वी के लिए हम शैल यूज करते हैं, और रेस्ट ऑफ कोई भी अगर मान लो कि सब्जेक्ट आता है, कर्ता आता है, उनके लिए विल का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं देखा जाता है बच्चों कि आई के साथ विल का भी अक्सर यूज करते हैं। आई के साथ विल लगाने के बाद में वो बन जाता है सर्टेनिटी, मतलब वो काम निश्चित होने वाला है। एग्जाम्पल, मैंने कहा आई शैल कम, मैं आऊंगा, डेफिनेट नहीं है, पर मैं कह दिया कि आई विल कम, तो मैं डेफिनेटली मैं आऊंगा। तो यहाँ पे तत्परता बताता है, उसे कहते हैं सर्टेनिटी। ये एक मॉडल ऑक्सिलरी का ग्रामर है बच्चों। अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए यहाँ पे हैप्पी वर्ब है इज, एम, आर। तो हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे सिंगुलर, प्लुरल और आई के लिए। सिंगुलर के लिए यहाँ पे आएगा इज, आई के लिए स्पेशली एम आता है, और प्लुरल फॉर्म के लिए यहाँ पे आर आएगा। आई के लिए सिर्फ और सिर्फ एम बना है, हम कह सकते हैं कि आई की शादी हुई है एम से, एम कहीं और नहीं जाएगा, एम जो है दुल्हन है किसका, आई का। बच्चों हम आगे चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए, हम देखें तो उसका हेल्पी वर्ब वाज और वेयर है। यहाँ पे सिंगुलर प्लुरल आई के लिए देखें तो सिंगुलर के लिए और आई के लिए वाज हेल्पी वर्ब आता है, प्लुरल फॉर्म के लिए यहाँ वेयर हेल्पी वर्ब आता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर राम वाज, आई वाज, दे वर, यहाँ पर इस प्रकार से सिंगुलर प्लुरल और आई को हम सेट करते हैं। वैसे ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो विल बी शैल बी में सेम वही केस, शैल बी के लिए आई भी आएगा और रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट के लिए विल भी आएगा। हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट देखें तो हम हैप्पी वर्ब हमको मिल रहा हैज और हैव। सिंगुलर के लिए यहाँ पर सिर्फ हैज आता है, आई के लिए और प्लुरल फॉर्म के लिए हैव आता है। एग्जाम्पल, लता हैज, आई हैव, They have। हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट में तो हेल्पिंग हमारा है had। यहाँ पर बच्चों आई हो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, तीनों के लिए यहाँ पे had आता है। फ्यूचर में एज इट इज। हम चलते हैं अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए। हेल्पिंग वर्ब है has been, have been। सिंगुलर के लिए बच्चों यहाँ पे आएगा has been, और आई के लिए और प्लुरल फॉर्म के लिए आएगा have been। हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो यहाँ पे आता है आई, सिंगुलर और प्लुरल, तीनों के लिए यहाँ पे हैड बीन यूज होगा। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए जैसे हमने सिंपल फ्यूचर में देखा था आई वी के लिए शैल हैव बीन आएगा और रेस्ट ऑफ के लिए विल हैव बीन आएगा। बच्चों मैंने आपके सामने अभी यहाँ पे टेंस बताया, टेंस के क्या क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स थे सब मैंने बता के दिया, हेल्प में बता के दिया आप लोगों को मैंने। तो बच्चों आप ये वीडियो देखे होंगे, आप ये वीडियो समझे होंगे, सो मैं होप करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों ये थोड़ा जुगाड़ भी किया गया है, लॉकडाउन का टाइम है, बोर्ड भी छोटा हुआ है, एडजस्टमेंट करके मैं पढ़ा रहा हूँ। होप करता हूँ कि आप अपना प्यार बनाए रखेंगे, छोटी मोटी गलतियाँ हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बच्चों लव यू ऑल, थैंक यू बच्चों।